अभी हम लोग जैसे मुंबई एयरपोर्ट पे लैंड हुए, अगर आप मॉरिशस से आ रहे हो तो यहाँ पे आपको कोरोना वायरस के लिए चेक। वेल, आज हमारा लास्ट डे और अभी तक तो दो प्रॉब्लम है, एक इंडिया में कोरोना वायरस की है जो हम जाएंगे तो चेक होगा, और दूसरा यहाँ पे साइक्लोन की जो वार्निंग है वो लेवल 2 हो गई है। तो आई डोंट नो कि साइक्लोन कितना नज़दीक से गुजरेगा, अभी तो बोल रहे 250 किलोमीटर नज़दीक से आएगा। सो लेट्स होप कि फ़्लाइट्स हमारे कैंसिल ना हो। सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, और आज हमारा है लास्ट डे, और एक खुशखबरी हमें आज मिली है कि हमारा जो चेकआउट 11 बजे होने वाला था वो उन लोगों ने हमें बोला है कि यू कैन स्टे हियर टिल 5, जब हमारी पिकअप होगा 5:30 को, तो 5 बजे तक हम लोग रह सकते हैं हमारे रूम पे फ्री ऑफ कॉस्ट उन लोगों की तरफ से। तो बिग थैंक यू टू अनिलिया रिसोर्ट। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, अगर वहाँ से कुछ पसंद आए तो शॉपिंग कर लेंगे। हमारी कैब आ रही है 5:45 को टू पिक अस अप फॉर द एयरपोर्ट। तो अभी इन लोगों ने हमारी की को रिन्यू कर दिया, अब ये की हमारी 5:15 तक चलेगी शाम को, वी कैन चेक आउट एट 5:15। अंजलि, कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग? हम लोग जा रहे हैं जंबो एक्सप्रेस, वो यहाँ का मिनी डीमार्ट है हमारे लिए। हमने काफ़ी चीज़ें वहाँ से खरीद चुकी हैं, काफ़ी चीज़ें नहीं, हम लोग सब वहीं से खरीदा तो वहीं से ही खरीदा है। अंजलि, तूने ऑडियंस को झूठ क्यों बोला कि हम लोग जंबो जा रहे हैं? तो जंबो नहीं जा रहे, ये कारण ने टर्न ले लिया एक्चुअली, यहाँ पर सीधा टर्न जंबो जाता है, ये वाला टर्न मार्केट जाता है। नहीं, तू जंबो ही निकल रही थी, हमें यहाँ जाना था, तुझे जगह पता नहीं थी कौन सी, इसलिए तूने जंबो बोल दी। मुझे करण बहुत बार ऐसे कहीं भी धोखे से ले जाते हैं, चला चला। शॉपिंग डन जंबो मार्केट से, ये हमने लास्ट 6 डेज में आई गेस तीसरी बार हमने जंबो से शॉपिंग की है। इतनी तो हम लोग वहाँ डीमार्ट से भी नहीं करते जितने हमने यहाँ जंबो से की, बट एक्चुअली थोड़ी नई चीज़ें दिख जाती हैं तो अपने खरीद लेते हैं। हाँ, और जब घर जाके जब करेंसी कन्वर्ट करेंगे ना तब पता चलेगा, तब पता चलेगा कितने लूटे कितने लूटे हमारे। तो फाइनली हम लोग आ गए फ्लिक एंड फ्लैग बीच पे, और यहाँ पे इतनी धूप में भी गोरे नहा रहे हैं, थोड़ी देर बैठ के यहाँ पे चिल करेंगे और फिर अपने रिसोर्ट चले जाएंगे हम लोग। आज का दिन पूरा ऐसे ही निकलना है क्योंकि 5:30 बजे तक हमारे पास कोई एक्टिविटी है नहीं करने की, तो बीच पे आया बैठा है, अगर अच्छा लगा तो यहाँ पे लंच करेंगे, वरना थोड़ा सा लंच तो साथ में लिया ही हम लोगों ने। तो हमने पैक करवा लिए 2 वेज बर्गर, सब वो रूम पे जाके 1-1.5 घंटे के बाद खाएंगे, ताकि रात जो हमारा डिनर है फ्लाइट में तब तक कोई भूख ना लगे और हमें कुछ खाना ना पड़े। नहीं, हमने स्नैक्स भी ले रखे, लेकिन और हमने स्नैक्स भी ले रखे क्योंकि लास्ट टाइम जो गलती की थी अब वो हम रिपीट नहीं करना चाहते। मतलब अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट पे जा रहे हो प्लीज़ मेक श्योर कि लेके जाओ कुछ ना कुछ स्नैक्स अपने साथ कैरी करें, क्योंकि एयरपोर्ट पे बहुत महंगा मिलता है, बहुत ज़्यादा महंगा है, और सेम चीज़ आप बाहर से लेके एयरपोर्ट पे खा सकते हो। सो फाइनली गाइस, चेकआउट हमने कर लिया है, नाउ वी आर लिविंग फॉर द एयरपोर्ट, बस ड्राइवर का वेट कर रहे हैं, कैब आ ही रही है। चलो, लक बहुत अच्छा है, हमें मिली है प्राइवेट व्हीकल पिकअप के लिए, दिस इज अमेजिंग। Finally reach the international airport. Thank you, Dhiren. Okay, thank you, sir. Have a nice flight. Thank you. Bye. Bye. So after 1 hour drive, हम पहुँच गए airport. Anjali, ready है अहमदाबाद जाने के लिए? नहीं. अभी हम लोग जा रहे हैं गेट नंबर 16, जहाँ से हमारा डिपार्चर है, वहाँ तो अभी लिखा था प्रीमियम, देखते हैं कि वहाँ अंदर घुसने देते या फिर बाहर निकलते बेइज्जत करके। जो भी, हम आपको अपडेट ज़रूर करेंगे, और शायद हमारा अगर पेपर में नाम आए तो देख लेना। 2 इंडियंस को बाहर निकाल दिया, प्रीमियम लॉन्च में घुस रहे थे। गाइस, फाइनली ये लॉन्च हमारा ही है, देखो कितना ऑसम लॉन्च है, मतलब
बहुत ही बढ़िया इकोनॉमी क्लास के पैसेंजर्स के लिए इतना अच्छा वेटिंग एरिया, और बाथरूम तो इसका इससे भी बढ़िया है। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको वो भी नहीं दिखाऊंगा, बट अब यहाँ में निकालने 3 घंटे जो आई थिंक बहुत इजीली निकल जाएंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा है, मस्त है, एकदम क्वाइट प्लेस है। सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नो कि जैसे हमारे मुंबई के एयरपोर्ट में वाटर टैप्स होते हैं जहाँ से आप पानी पी सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा मॉरिशियन एयरपोर्ट्स पे नहीं है। तो यहाँ पे यू हैव टू बाय द वाटर बॉटल और 500 ml का प्राइस है 60 Mauritian rupees, सो कीप दैट इन माइंड। और हाँ, ये लोग वाटर बॉटल्स अंदर भी अलाउड नहीं करते एयरपोर्ट पे, यू हैव टू बाय द वाटर बॉटल फ्रॉम हियर ओनली। 9:20 की फ्लाइट थी, उसके बाद अभी 9:20 बोर्डिंग हो रहा है, सो लेट्स सी कितनी लेट फ्लाइट पहुंचती है मुंबई। फाइनली वी आर टायर्ड, सो सीधे मिलते हैं आपको मुंबई। अभी हम लोग जैसे मुंबई एयरपोर्ट पे लैंड हुए, अगर आप मॉरिशस से आ रहे हो तो यहाँ पे आपको कोरोना वायरस के लिए चेकिंग नहीं है, बाकी सब कंट्रीज के लिए है। बहुत लंबी लाइन है, बहुत ही लंबी लाइन है। सो भी अभी बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हम लोग मॉरिशस से आ रहे हैं। तो फाइनली बाहर निकल गए इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, अभी चाय नाश्ता चल रहा है, फिर हम लोग जाएंगे T1 एयरपोर्ट जो कि यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है, और वहाँ से हमारी फ्लाइट है अहमदाबाद के लिए। तो 11:20 की बोर्डिंग है, अभी बज रहा है 8:20 और हम लोग आ गए T1 टर्मिनल पे डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे मुंबई में, और यहाँ से हमारे अहमदाबाद की फ़्लाइट है 11:20 की। टर्मिनल है अभी खाली है, आप देख सकते हो कोई नहीं है, सिर्फ हम दो ही बैठे हैं यहाँ पे। अभी हम लोग यहाँ पे इतनी जल्दी आ गए, लगता है इन लोगों ने अभी तक तो AC भी शुरू नहीं किया। हाँ, नहीं शुरू किया, गर्मी लग रही है। क्योंकि कोई एक दो बंदा ऐसा ऐसे घूम रहा है यहाँ पे, मैं तो डिसाइड नहीं कर पा रही जैकेट पहनूं कि उतारूं, मैं यही कर रही हूं पूरे टाइम से। फाइनली बज रहा है 1:10 और हमने लैंड किया है अहमदाबाद में, होम स्वीट होम, कांट वेट टू गेट होम। बहुत ही टाइम फीलिंग कर रहे हैं, अब घर जाके आराम करें। सो गाइज, वी फाइनली रीच होम, और इस मॉरिशस सीरीज़ की जहाँ से हमने शुरुआत की थी वहीं पे आके इसका एंड करते हैं। तो अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आई, अगर ये व्लॉग्स आपको पसंद आए, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, नए हो तो सब्सक्राइब करो। और क्या आपको अच्छा लगा इस सीरीज़ के बारे में, और क्या कौन से वीडियोज़ और कौन से मोमेंट्स आपके फेवरेट थे, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड ऑल्सो शेयर दिस सीरीज़ विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड ऑल्सो मेक देम टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। और मैं ऐसे ही आपके लिए अमेजिंग प्लेसेज एंड अमेजिंग वीडियोज़ लाता रहूँगा, सो स्टे कनेक्टेड एंड विल सी यू गाइज इन अवर नेक्स्ट वीडियो। Have a great day.